What's up British family? This is Nikhil Nautiyal and welcome back to my channel. दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि recently हमने अपने channel पे एक complete warm-up series जो है वो start करी है जिसका main purpose ये है कि अपने actual workout से पहले आपको हर muscle का ढंग से warm-up करना है ताकि आप injuries को prevent कर सकें. And जैसा कि दोस्तों हम already chest का बैक का शोल्डर का एंड बाइसेप्स का जो वार्म अप है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. इन केस दोस्तों आपने मेरी वो वाली वीडियोस जो हैं वो अभी तक नहीं देखी तो आप यहाँ पे क्लिक करके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं. तो आज जैसे कि दोस्तों हम ट्राइसेप्स का ढंग से वार्म अप करने वाले हैं तो मेक श्योर आप आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. एंड चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. वेलकम बैक गाइस. सो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इस वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए. एंड उसके ठीक राइट में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए. उससे क्या होगा जैसी मैं फ्यूचर में कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे. एंड चलिए इसी के साथ जो आज का ट्राइसेप्स का वार्म अप है उसे हम शुरू करते हैं. तो एज यूजुअल गाइस ट्राइसेप्स के वार्म अप करने से पहले सबसे पहले हम अपने शोल्डर ब्लेड की मोबिलिटी के लिए एक्सरसाइज करेंगे ताकि जब हम ट्राइसेप्स ट्रेन करें तो हमारे जो शोल्डर हैं वो प्रॉपर फ्लेक्सिबल हो, उनकी मोबिलिटी अच्छी हो एंड बेसिकली जो उनमें स्टिफनेस है वो थोड़ी सी खत्म हो जाए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वही अपनी जो सारी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस हैं यानी कि अपने दोनों हाथों को हम ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव करके अपने शोल्डर ब्लेड्स को अच्छे से वार्म अप करेंगे. एंड जब एक बार ये हो जाए उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने ट्राइसेप्स का वार्म अप. डिप्स दोस्तों हमारे ट्राइसेप्स के वार्म अप के लिए एक बहुत ही अच्छी बॉडी वेट एक्सरसाइज है जिसे करना भी आसान है. अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यार ये निखिल भाई ने क्या कह दिया, मैं तो एक भी डिप नहीं कर पाता, मैं कैसे करूंगा. तो दोस्तों आप यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, मैंने डिप्स को कैसे सीखना है बिल्कुल इजी स्टेप बाय स्टेप कैसे सीख सकते हैं मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है. अगर आप एक भी डिप नहीं कर पाते हैं एंड डिप्स को बहुत ही इजीली सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हैं. अब दोस्तों यहाँ पे आपने डिप्स को करना कैसे है, सबसे पहले तो आपके जो दोनों बार्स हैं उन दोनों बार से आपने अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करना है और पुश करने के बाद आपने क्या करना है अपने ट्राइसेप्स पे फोकस करते हुए अपनी बॉडी को नीचे लेके आना है. जब आप नीचे आएंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके जो ट्राइसेप्स हैं वो फुली स्ट्रेच होने चाहिए. जब आप एक बार नीचे पहुंच जाएं और आपके ट्राइसेप्स फुली स्ट्रेच हो जाएं, उसके बाद आपने अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करना है एंड ट्राइसेप्स को ढंग से कॉन्ट्रैक्ट करना है. मेक श्योर नीचे जाके ट्राइसेप्स आपका स्ट्रेच होना चाहिए एंड ऊपर जाते हुए आपका ट्राइसेप्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. ये दोस्तों हमारे ट्राइसेप्स की थिकनेस के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिससे हमारा जो ट्राइसेप्स है वो बहुत ही अच्छे से वार्म अप भी हो जाता है. अगर दोस्तों आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपको इसके कितने सेट करने हैं तो आपने इस एक्सरसाइज के 2 सेट करने हैं और वो भी फेलियर तक. लेकिन अब आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मैं तो एक भी डिप नहीं कर पाता तो यहाँ पे मैं अपने ट्राइसेप्स को कैसे वार्म अप करूँगा. तो डोंट वरी गाइज, आप यहाँ पे नॉर्मल डिप्स की जगह आप यहाँ पे कर सकते हैं बेंच डिप्स, जिसको करने के लिए आपको सबसे पहले तो 2 बेंच की ज़रूरत है. एक बेंच जिसपे आप अपने हाथों को रखेंगे एंड दूसरी बेंच जिसमें आप अपने पैरों को रखेंगे. जो करने की टेक्निक है दोस्तों वो बिल्कुल सेम डिप की तरह ही करना है. आपने अपने दोनों हाथों को पीछे की साइड प्लेस करना है एंड जो आपके घुटने हैं वो थोड़े से मुड़े हुए होने चाहिए. मेक श्योर दोस्तों जब आप अपनी बॉडी को नीचे लाएं तो आपने अपने ट्राइसेप्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है एंड जब आप अपनी बॉडी को वापस ऊपर लेके आएंगे तो आपने अपने ट्राइसेप्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है. इसके भी दोस्तों आप 2 सेट करेंगे फेलियर तक एंड कोशिश ये करनी है कि जब आपकी बॉडी नीचे ऊपर जाए तो जो कंटिन्यूस फोकस है आपका वो आपके ट्राइसेप्स पे होना चाहिए. अब दोस्तों अगर आपका ट्राइसेप्स यहाँ पे अच्छे से वार्म अप हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता आप थोड़ा सा और वार्म अप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक एक्सरसाइज और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. जो एक्सरसाइज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो है ट्राइसेप्स केबल पुश डाउन, जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके ट्राइसेप्स को अच्छे से वार्म अप करने के लिए. ट्राइसेप्स केबल पुश डाउन दोस्तों एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको ट्राइसेप्स में एक फुल रेंज ऑफ मोशन मिलता है,
जिससे आपके जो ट्राइसेप्स हैं वो बहुत ही अच्छे से वार्म अप हो सकते हैं। इस एक्सरसाइज को दोस्तों आपने करना कैसे है, सबसे पहले तो आपने एक स्ट्रेट बार यूज करनी है, कोशिश करनी है आप लाइट मीडियम वेट यूज करेंगे सबसे पहले, एंड आपकी जो एल्बोज हैं वो एक जगह फिक्स रहनी चाहिए। एंड अब आपने क्या करना है, अपने ट्राइसेप्स पे फोकस करते हुए जो केबल है उसको नीचे पुश करना है एंड अपने ट्राइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब आपके हाथ नीचे आएंगे तो आपने ट्राइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, जब आप ऊपर लेके आएंगे अपने हाथों को वापस तो आपने एल्बोज को एक ही जगह फिक्स रखने की कोशिश करनी है एंड साथ ही में आपने अपने ट्राइसेप्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है। तो इस एक्सरसाइज के भी दोस्तों आपने 2 से 3 सेट करने हैं और जो रेपिटेशंस हैं वो होने चाहिए 15 to 20। अब एक बार दोस्तों जब आप ये सारी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं तो वहाँ पे आपका जो ट्राइसेप्स है वो ढंग से वार्म अप हो चुका है एंड फिर उसके बाद आप अपने एक्चुअल वर्कआउट को करने के लिए एकदम तैयार हैं। चलिए दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मेक श्योर दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इस वीडियो के नीचे, उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना है एंड उसके ठीक राइट में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना है। मेक श्योर दोस्तों अगर आप मेरा डेली वर्कआउट एंड मैं डेली क्या डाइट कंज्यूम करता हूँ उसके बारे में जानना चाहते हैं प्लस आने वाली वीडियोस के अपडेट्स जानना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम का मेरा यूजर नेम है वो है निखिल नौटियाल। आप मेरा जो इंस्टाग्राम का पेज है वो यहाँ पर भी देख सकते हैं एंड जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। एंड दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि 22 जुलाई से हमारी जो इंटरमीडिएट वर्कआउट सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आपने अभी तक प्रोग्राम का जो ओवरव्यू है वो नहीं देखा तो आप यहाँ पे इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। गाइज मैं तो इस प्रोग्राम के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड आई होप आप लोग भी होंगे। एंड चलिए अब सीधे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो ऑलराइट देन टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइज।